दस्त एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। वैसे तो दस्त कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर यदि समय रहते इसका उचित इलाज ना किया जाए तो शरीर में पानी बेहद तेजी से खत्म हो जाता है, जिससे जानलेवा हालात पैदा हो जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव होम रेमेडी। यूं तो दस्त के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर दस्त रात के वक्त ज्यादा खा लेने पर, फूड पॉइजनिंग, बासी खाना खा लेने पर या फिर कुछ केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के दौर में सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ दस्त भी इसके एक लक्षणों में शामिल हो चुका है। ऐसे में कोविड की जांच कराने के साथ ही बेहद जरूरी है कि दस्त का कोई आयुर्वेदिक या घरेलू उपचार तत्काल शुरू किया जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इंडिया टीवी लाइव के आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं दस्त की होम रेमेडी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार दस्त बेवक्त लग जाते हैं और तब हमारे तुरंत दवा लेने जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने घर में बेहद आसानी से दस्त का आयुर्वेदिक नुस्खा कर सकते हैं तैयार। इसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच अदरक पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चम्मच शहद। इसे बनाना भी बेहद आसान है। एक साफ बर्तन में एक चम्मच अदरक, जीरा और दालचीनी पाउडर डालें और फिर उसमें एक चम्मच शहद डालकर इसे अच्छे से मिला लें। दस्त को कंट्रोल करने वाला आयुर्वेदिक पेस्ट तैयार है। आप इसे दिन में 3 बार एक एक चम्मच लें। तो आप इस वीडियो को अपने फोन में सेव कर सकते हैं क्योंकि दस्त कभी भी किसी को भी हो सकता है। साथ ही ऐसे ही बेहद काम की लेकिन आसान होम रेमेडी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपको तुरंत मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और इंडिया टीवी लाइव के साथ जुड़े रहिए।